नमस्कार दर्शकों, रतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मेष राशि से शुरू करते हैं। आइए देखिए मेष राशि वालों का क्या हाल है। मेष राशि वालों का जो हाल दिख रहा है वो काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन यदि सावधानी बरते तो, अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो नुकसान भी हो सकता है, परेशानी में भी आ सकते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई छल कपट होने का दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कोई छल कपट कर सकता है, षड्यंत्र कर सकता है, तो अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी, अपने कान भी खुले रखने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ हो रहा है। अगर ध्यान नहीं दिए तो सचमुच गड़बड़ हो सकता है। तो इस तरह से चलने से काफी अच्छा रहेगा। और अगर आपने सही निर्णय ले लिया सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, किस तरह की पॉलिटिक्स में या किसी तरह षड्यंत्र से बचते हुए, तो आपको काफी अच्छी सफलता मिलेगी। आज आपको आराम करने का मौका आसानी से नहीं मिल पाएगा और आप काफी मेहनत करेंगे, और करना जरूरी भी है, क्योंकि हर समय आराम से सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। कुछ समय पर मेहनत भी करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आज का दिन का सदुपयोग बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे तो आगे का फ्यूचर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य को व्यवस्थित करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर पाएंगे, मतलब अपने कार्य को एक्सपैंड कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, और इस तरह से आप काफी अच्छे तरीके से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा ये संयोग दिख रहा है। आप अगर आज के दिन पीला रंग, सफेद रंग और लाल रंग प्रयोग में लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा उत्साहवर्धक होगा और इससे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप और आपके जीवन साथी, आपके आपके साझेदार, ये सब मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से एक टीम वर्क करने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर कुछ ऐसा निर्णय लेंगे जो आपके लिए काफी प्रोडक्टिव, काफी लाभकारी और काफी सफलतादायक हो जाएगा। तो इसलिए आज किसी तरह का संकोच न करें, कोई संदेह न करें, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा, इन बातों पे सोचने में समय बिल्कुल न गवाएं, बल्कि आगे बढ़ें, मीटिंग करें, डिस्कशन करें, खूब बढ़िया से डिस्कशन करें, क्योंकि बौद्धिक क्षमता आपकी भी बड़ी दिख रही है, उनकी भी बड़ी दिख रही है, और आपका आपस में फ्रिक्वेंसी मैचिंग बहुत अच्छी दिख रही है। तो आज आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे बल्कि बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। हेल्दी डिस्कशन के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से सही डिसीजन ले पाएंगे और वो डिसीजन आपके लिए वाकई बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए कोशिश करें, इस तरह से समझदारी से चलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आज के दिन लाल रंग, पीला रंग और सफेद रंग प्रयोग में लें, ये सब ऊर्जादायक है और आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा सहयोगी रहेंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप थोड़े निराश होंगे और आपके कुछ वाकई पेमेंट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं या इनकम प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, ऐसा होने का बनता है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सब्र के साथ काम लेंगे, पेशेंस के साथ काम लेंगे, तो निश्चित तौर पे परिवर्तन आएगा। कोशिश करें कि आज के दिन आप पीला रंग और हरा रंग जरूर धारण करें। इन रंगों से आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आएगी, और साथ साथ यह भी करें प्रातःकाल महामंत्र का जाप अवश्य करें और साथ साथ चंदन का इत्र भी प्रयोग में लें। ऐसा करने से आपको एक फायदा होगा कि आपके मन में जो निराशा चल रही थी, वो निराशा उतनी गहराई तक नहीं जा पाएगी और मन में काफी शांति आ जाएगी, और शांति आने से जो सहयोग आपको मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट को समझ पाएंगे और सपोर्ट ले पाएंगे, इससे आपके अंदर काफी अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। कोशिश करें कि आज के दिन आप जो भी सहयोग मिल रहा है उन सहयोग को समझ करके कोई अच्छा निर्णय लीजिए और सपोर्ट सिस्टम पे ही चलने की कोशिश करें, क्योंकि आप खुद उलझे हुए परेशान है, तो इसलिए सपोर्ट मिलने से ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बड़ों के और सीनियर्स पे सपोर्ट, सीनियर्स के सपोर्ट को समझ करके उन पे थोड़ा डिपेंड होकर चलेंगे तो आपको बेहतर महसूस होगा। एक तो सपोर्ट का सपोर्ट से कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा है कि जब खुद नहीं हो पा रहा है तो उनकी मदद से आप कर पाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको। इस तरह से करके आप दिन का सदुपयोग करें तो काफी अच्छा रहेगा और अच्छे तरीके से दिन का सदुपयोग कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके माइंड का पूरा इस्तेमाल आप करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छा सहयोग भी आपको मिलेगा। इतना डायनेमिक तरीके से आपका ब्रेन फंक्शन करेगा कि जो भी हालात है, सिचुएशन को बहुत अच्छे तरह से एनालाइज कर पाएगा, देख पाएगा गड़बड़ियां कहाँ है, देख पाएगा अच्छा कहाँ पर है, और उस पर सही तरीके से निर्णय लेकर के और बेहतर करने के लिए, या कैसे ठीक किया जाए, कैसे और बेहतर किया जाए, इस बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सोच पाएगा। इतनी अच्छी ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, इस समय पर किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसीलिए ऐसे समय में आप अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग करें तो काफी अच्छा रहेगा। आपको पारिवारिक जीवन की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ भी किसी तरह के इश्यूज नहीं आएंगे,
तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप बहुत अच्छे तरीके से डिसीजंस लें, बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करें और उसमें पेमेंट करें, आपको धन की प्राप्ति भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ये भी सहयोग होने का बन रहा है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप पीला रंग, लाल रंग और सफेद रंग, इन रंगों का प्रयोग करें आज के दिन, इन रंगों को प्रयोग में लाएं, तो उससे आपको और भी अच्छी ऊर्जा मिलेगी, जिससे जो मैंने कहा वो सब सचमुच आसानी से हो पाएगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी आज के दिन। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आप दिन का लाभ ले पाएंगे और आनंद पूर्वक अपना दिन बिता पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपका जो सहयोग सिस्टम है, मतलब सपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। आप ये बहुत सारे कोई खर्चे हैं या नुकसान है उससे आपको बचाने में आपका सपोर्ट सिस्टम, आपके पार्टनर्स, आपके सहयोगी, आपके साझेदार, आपके जीवन साथी, इनका बड़ा सहयोग मिलेगा। मतलब कुछ ऐसी रीजन जिसकी वजह से आपको नुकसान होने वाला था, वो नुकसान होने नहीं देंगे। इस तरह से काफ़ी अच्छा परिवर्तन आ जाएगा और अच्छे तरीके से आप लाभ ले पाएंगे। कोशिश करें कि आप आज के दिन अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करें, जिससे आप अपने काम को मॉनिटर कर पाएं कि कहाँ भाई क्यों नुकसान होने वाला था, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके बिहाफ पे काम संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को भी धीरे धीरे इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ दिन के बाद आपको अपने कार्य में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन बन ही जाएगा, तो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप हरा रंग और लाल रंग और पीला रंग, इन रंगों का सहयोग लेंगे, इनको अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो इससे आपके लिए काफ़ी अच्छी ऊर्जा मिलेगी आपको और आप अच्छे तरीके से ऊर्जा से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने जीवन में, ऐसा होने का बनता है। आइए दर्शकों, आप देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर अगर आप मेहनत करके जो भी पेमेंट्स आपको रिकवर करनी है, लेनी है, उनसे अगर कम्युनिकेट करेंगे तो आपको पेमेंट मिलने के चांसेस, धन की प्राप्ति होने के चांस बनते हैं। यदि आप नहीं कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि बहुत अच्छे से आपको धन की प्राप्ति ना हो पाए और कमी रह जाए। तो इसलिए आपको जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जरा भी घबराएं नहीं, अपने पार्टनर, जीवन साथी का सहयोग लें और साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी आप देखें कैसे प्राप्त की जा सकती है अगर, और कोशिश करके अपने धन की प्राप्ति करें और बेहतर स्थिति अपनी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप व्यस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से आप अपने कार्य को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ, साथियों के साथ, जो भी उस कार्य को संभाल रहे हैं, उनको सहयोग करें, उनके साथ अच्छे रिश्ते बना करके उनसे मदद लेने की कोशिश करेंगे तो आपका कार्य भी हो जाएगा और आप जिस वजह से भी बाहर गए हैं, दूर स्थान गए हैं, चाहे वो प्रोफेशनल गए हैं, चाहे पर्सनल रीजन में गए हैं परिवार के साथ, वो सब अच्छा रहेगा और सफलतापूर्वक आपको अच्छे तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आइए दर्शकों, देखते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों को जो समय चल रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वो धन की प्राप्ति दूर स्थान से भी हो सकती है, मतलब विदेशों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी दूर स्थान से, दूसरे स्टेट में आप सर्विसेज दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपके व्यवसाय में, आपके काम में, आपके नौकरी में आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, जो सहयोग आपके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से और भी अच्छे तरीके से मिल पाएगा। मतलब आपका मेंटल परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि लोग आपको मदद करने के लिए चाहेंगे और मदद करके आपको आगे बढ़ने में बहुत बड़ा सहयोग देने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, कोशिश करें कि संतुलित रहें, अपने आप को विचलित ना होने दें और इस हालात का फायदा उठाने की कोशिश करें, जिससे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आपको बड़ों का सहयोग मिलेगा ही मिलेगा, तो इन सब का फायदा तभी उठाएंगे जब आप बहुत पेशेंस के साथ, बहुत बैलेंस तरीके से उनको प्रेजेंट करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति आपको बड़ा आपकी मदद करना चाह रहा है, आप खुद ही स्टेबल नहीं है, खुद ही फोकस नहीं है, खुद ही काम पे ध्यान नहीं दे रहा, तो व्यक्ति क्या कहे, तो बेकार का इंसान है, काम पे ध्यान नहीं देता है, इसको मदद करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से अपना काम करें, परफॉर्म करें, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी और उस मदद से आपके जीवन में काफी अच्छा परिवर्तन होने का दिख रहा है। आज का दिन का आप सदुपयोग इस तरह से करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि आप हरा रंग, सफेद रंग, काला रंग, इनमें से कोई रंग या इनका कॉम्बिनेशन धारण करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और किसी भी तरीके से आपको आगे बढ़ने में काफी बढ़िया मदद मिलेगी। आइए दर्शकों, अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको बड़ों का सहयोग बहुत अच्छे से मिलेगा, आपका कार्य बहुत अच्छे से चलेगा और अपने कार्य में परफॉर्म भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, यदि आप प्रातःकाल महामंत्र का जाप करेंगे। आपके साथ ये कंडीशन रहेगी मई तक, मई 2025 तक। मेरा काम आपको बार बार रिमाइंड करना है, कहीं आप भूल न जाए, क्योंकि आप बहुत डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं और आप
कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको रिमाइंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इतने परेशान उलझे रहेंगे कि आप भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज महामंत्र का जहाँ भी भूल जाएंगे। तो इसलिए बार बार याद दिला करके मैं कोशिश करता हूँ कि आप अपने आप को ट्यून कर लें, जैसे आप जो कुछ अच्छे हालात हैं उनका फायदा उठा पाएं, और सिर्फ अपनी मानसिक परेशानी की वजह से आप हालात का फायदा नहीं उठा पाएंगे तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप महामंत्र का जाप अवश्य करें, चंदन का इत्र या चंदन की खुशबू प्रयोग में अवश्य लाएं, श्वेत चंदन का टीका लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इस तरह से अपने आप को ट्यून कर लें, उसके बाद आनंद लें बहुत अच्छे भाग्य का, बहुत अच्छे सपोर्ट का, बहुत अच्छा सहयोग का, और अपने काम में परफॉर्म करके बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को बेहतर करें। वो और भी अच्छा रहेगा कि अपने जीवन साथी के साथ सदव्यवहार करके किसी भी तरीके से उनको अट्रैक्ट करके अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाएं, मतलब वो आपके लिए बारे में अच्छा सोचे ऐसा कुछ करें, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके जीवन में और भी एनर्जी जो बहुत ही शुभ है आपके लिए शुभता प्राप्त हो जाएगी, और आप देखेंगे ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपके जीवन का हो रहा है, हर कुछ अच्छा हो रहा है, हर कुछ पॉजिटिव हो रहा है, चिंता करने का कोई विषय दिख नहीं रहा है ऐसा लगने लगेगा आपको, और ऐसा होगा ही, ऐसा होने का बनता है। कोशिश करें कि आज के दिन लाल रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग, ये सब रंग आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, साथ में ऑरेंज और पिंक कलर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आई दर्शकों, अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, जैसे आपके अंदर गुस्सा ना आए, आपको रेस्टलेसनेस फीलिंग होती है जैसे बहुत हड़बड़ी मची रहती है, तो हड़बड़ी ना मचे, आप थोड़ा पेशेंस के साथ थोड़ा सब्र के साथ काम लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। आपका फेम होने का बन रहा है और आपके जीवन साथी के साथ, आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग होने का बन रहा है जिसका लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। तो आप अभी अगर परेशान हो तो अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने सहयोगी के साथ, साझेदार के साथ डिस्कस करके उनसे सहयोग लें, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा और आप अकेले ही नहीं उलझेंगे, अपने सपोर्ट के साथ आप उलझन से बच जाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से आपको भगवान ने एक सपोर्ट दिया, उसका लाभ लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए हरा रंग बहुत ही सूटेबल रहेगा, सिर्फ हरा ही रंग आपके लिए बेनिफिशियल बन रहा है या लकी बन रहा है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि हरा रंग प्रयोग में अवश्य लें आज के दिन, जिससे आपको जो लाभ चाहिए वो मिल पाए। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको बड़ों से सपोर्ट तो नहीं मिल पाएगा, सीनियर से सपोर्ट तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप स्वयं बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है और आपके पार्टनर का, सहयोगी का, साझेदारों का भी बड़ा प्यारा सहयोग मिलने वाला है। तो इसलिए हर हालात कुछ सिखाते हैं, इस समय पर आपको इंडिपेंडेंट सीखना है, होना सीखना है, और साथ साथ अपने साथी के साथ मिल करके टीम वर्क कैसे करना है ये सीखना है, मतलब इंडिपेंडेंट होना, बड़ों के सहयोग से बच करके इंडिपेंडेंट होना, बचना क्या मतलब आपको मिल ही नहीं पाएगा तो आप पाएंगे ही नहीं, तो इस तरह से आपको संभल के चलना है, अपने आप को मजबूत करना है जिससे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, पर आप कर पाएंगे क्योंकि अच्छी ऊर्जा दिख रही है। बस इतना ध्यान रखें कि आज के दिन आप लाल रंग, पीला रंग और सफ़ेद रंग प्रयोग में अवश्य लें, इन सब रंगों से आपके अंदर इतनी अच्छी ऊर्जा मिलेगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस तरीके से उत्साह के साथ आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपको कुछ ऐसा सहयोग मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, या आपको कुछ आपके सबॉर्डिनेट्स में बढ़ोतरी हो जाएगी जिसकी वजह से आप फील करेंगे कि आप बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा सपोर्ट मिलने के चांसेस बन रहे हैं। यदि आप अकेले कार्य कर रहे थे तो ये भी हो सकता है कि आपको सहयोगी मिल जाए जो आपकी मदद करे, तो इस तरह से आपके काम में और भी बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप अपने आप को और ऊर्जावान बनाना चाहते हैं तो काला रंग, पीला रंग और साथ में लाल रंग, ये सब रंग आपके लिए उत्साहवर्धक है और अच्छी ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं जिससे आपको आगे बढ़ने में हर तरह से मदद मिल जाएगी। आइए दर्शकों, अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसलिए अच्छा दिख रहा है कि आपके मन में बहुत खुशी है और बहुत प्रसन्नता है और आपके अंदर बहुत पवित्र विचार, बहुत पवित्र सोच चल रही है, मतलब आप अच्छा ही सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं और किसी तरह की बुराई से बच पा रहे हैं ऐसा बन रहा है, मतलब बीच में उलझे हुए थे लेकिन अब ऐसा उलझा नहीं है और अच्छा सोच पा रहे हैं। इसी सोच के साथ आप अच्छा परफॉर्म करने के बारे में भी प्लान करेंगे तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और आपका जो भी कार्य करते हैं आप उस कार्य को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे ऐसा होने का बनता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आज के दिन सफ़ेद रंग, पीला रंग, लाल रंग और चाहे तो हरा रंग भी प्रयोग मिले, इन सब रंगों से आपके जीवन में काफ़ी अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करके आगे बढ़ पाएंगे।
तो ये था दर्शकों आज के दिन का हाल। उम्मीद करते हैं आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। कल फिर मिलते हैं कल का हाल बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।